एसर्क के पास इतनी फिल्मों के है ऑफर्स, बात करेंगे उसके बारे में। डंकी के बाद एसर्क की फिल्म का अनाउंसमेंट का इंतजार एसर्क का पूरे का पूरा फैन क्लब कर रहा है। बात तो सही है लेकिन अभी तक एसआरके ने ऐसा कोई उच्च अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन एसआरके अपनी नेक्स्ट फिल्म बताएगा आपका भाई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पागल बॉलीवुड एसएम पहली फिल्म है एसआरके की जो नेक्स्ट कर सकते हैं, वो है संदीप रैंडी वांगा के साथ। जी हाँ, एनिमल के डायरेक्टर संदीप रैंडी वांगा और एसआरके के बीच बातचीत हुई है और लगभग ये मूवी हमें तय लग रही है। नेक्स्ट मूवी भी इवन हो सकती है वांगा के साथ एसआरके की। दूसरी मूवी की बात चल रही है राज एंड डीके के साथ। राज एंड डीके ने पहले ही जवान और पठान से पहले ही एसआरके को कहानी सुनाई हुई थी, लेकिन अब कहीं जाके फिर से एसआरके उस पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी नेक्स्ट फिल्म की अनाउंसमेंट एसआरके राज एंड डीके के साथ भी कर सकते हैं। तीसरी सबसे ज्यादा बातें चल रही है रावण 2। जी हाँ, रावण 1 जब आई थी तब रावण 1 को ऑडियंस ने भला बुरा बोल दिया था, लेकिन आजकल की फिल्मों में जिस तरह का वीएफएक्स देख के रावण 2 की रावण की रिस्पेक्ट साथ में आसमान पे चली गई है। तभी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि एसआरके रावण 2 बनाए और एसआरके ने भी कई हिंट दिए है कि रावण 2 बन सकती है। अचानक से एसआरके रावण 2 की अनाउंसमेंट कर दे तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। चौथी फिल्म जिससे बात चल रही है एसआरके की लोकेश कनगराज के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना, लोकेश कनगराज ने एसआरके को संपर्क किया है और लोकेश कनगराज एसआरके को एलसीयू यूनिवर्स का पार्ट बना सकते हैं। बातें तो ये भी चल रही है कि एसआरके की नेक्स्ट फिल्म एलसीयू यूनिवर्स की होने वाली है। अगर ये होता है तो भाई साहब साउथ ऑडियंस और हिंदी ऑडियंस दोनों में एसआरके का स्टारडम हाई लेवल पे चला जाएगा और ये मूवी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के नंबर 1 की पोजीशन पे आ सकती है। पांचवी फिल्म है अपनी बेटी के साथ यानी कि सुहाना खान के साथ किंग नाम की, लेकिन बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने इस मूवी को अब डिब्बा बंद कर दिया है। शाहरुख खान अब इस मूवी में नहीं देखने को मिलने वाले। अगली फिल्म शाहरुख खान जो कर सकते हैं वो है एक अनटाइटल फिल्म करण जौहर के साथ। बातें चल रही है रिसेंटली अभी बातें चल रही है कि अगली फिल्म शाहरुख खान करने वाले हैं करण जौहर के साथ, जो कि उसका कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ ये एक रूमर्स है। इनके अलावा एसआरके के कई सारे रूमर्स चल रहे हैं, इवन इंशा अल्लाह रईस 2 कई सारी फिल्मों के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन जब तक एसआरके अपने मुंह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर देते तब तक कुछ ऑफिशियल नहीं कहा जा सकता। आपको क्या लगता है एसआरके को अपनी नेक्स्ट फिल्म किसके साथ करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारी चैनल पागल बॉलीवुड एसएम को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।